हाय गाइस, वेलकम टू द वीडियो। तो अभी तक हमने देखा कि एडवांटेज क्या क्या है, मतलब लॉन्च पैड यूज़ करने के डिसएडवांटेज क्या क्या हैं, ठीक है, फ़ायदा कैसे होगा हमें, और बहुत सारे लोग फ़ायदा क्यों नहीं उठा पाते। तो उसकी मतलब बहुत सारी रीजंस हमने देखी, स्पेशली जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो किस हिसाब से आप एक ह्यूज प्रॉफिट बनाएं वो आपको क्लियर होना चाहिए। तो मान लीजिए आपने जो बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ एनी लॉन्च पैड का टोकन है वो ले ली, अब आपके पास USDT, USB, USD ये सब पड़ा है जिसको लेकर आप इन्वेस्ट करेंगे, तो सब कुछ क्लियर। अब आपको खाली प्रोजेक्ट चूज करना है, तो उसके लिए सबसे पहले आप आ जाइए लॉन्च पैड पे, प्रोजेक्ट देख लीजिए, लेट्स से ट्रूफ्लेशन है, ठीक, ट्रूफ्लेशन पे गए। अब इसके बारे में जो फंडामेंटल रिसर्च हमने पहले की थी कॉइन के लिए, वो इसके लिए भी लगेगी, ठीक है। तो मान लीजिए आप ये गए, तो इसके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है, इसको कॉपी करो, ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी सर्च करके रखा है, इधर साइफर हंटर पे क्लिक करके ट्रूफ्लेशन का डेटा निकाल लिए। अब ये क्या कॉइन बेस, क्यों ये टैग क्यों आ रहा है, क्योंकि कॉइन बेस ने इसको इस पर इन्वेस्ट किया है या पार्टनरशिप की है, ठीक है। ये डेटा के बारे में डील करता है, टोकनाइजेशन, चेन लिंक, अब और भी देखेंगे। तो बैकर्स कौन कौन से, तो ये सब बैकर्स हैं, अभी लॉगिन करके आप और डिस्कवर कर सकते हैं, मैं लॉगिन नहीं करूँगा, ठीक है। तो ये सब बैकर्स हैं, ये इसमें बहुत सारे ये बेस ठीक ठाक है, तो इस हिसाब से ये बैकर्स हैं, तो इनको अभी साइन लॉगिन करके आप और भी चीज़ें देख लेंगे। तो इससे हमें एक ट्रस्ट बढ़ेगा इस प्रोजेक्ट में। तो बेसिकली जो फंडा हमारा डे वन से रहा है वो अभी भी वैसे ही रहेगा। वो फंडा क्या है, फंडा ये है कि भैया कुछ भी हो, चाहे जैसा प्रोजेक्ट हो, चाहे कहाँ का हो, रिसर्च इज मस्ट। तो यहाँ पे भी हमें रिसर्च करनी ही पड़ेगी, रिसर्च करने के बाद हम इन्वेस्ट करेंगे। अब इसमें दो केसेस होते हैं, ठीक है, कभी कभी क्या होता है, जैसे शॉर्ट टर्म के लिए हुआ तो क्या करते हैं, मान लीजिए आपने 100, जैसे इस ट्रूफ्लेशन का 100 टोकन आपने खरीदे, लेट्स से आपने 100 खरीदे, तो क्या करेंगे, जैसे ये लॉन्च होगा उस समय कभी कभी क्या होता है कि आपको सिर्फ 10% सेल करना अलाउड रहता है, 90% वो होल्ड पे रहता है। नहीं तो क्या होगा, अगर मान लीजिए आप उन्होंने पूरा अलाउ कर दिया, मतलब जो जिसका प्रोजेक्ट है उसने पूरा अलाउ कर दिया कि भैया जैसे खुला वैसे आप सब कुछ बेच सकते हो, तो क्या होगा कि जैसे ही मार्केट में आएगा सब लोग बेचना शुरू कर देंगे, तुरंत ही कॉइन क्रैश कर जाएगा। तो उस चीज़ से बचने के लिए नॉर्मली क्या करते हैं ये लोग कि आपको 10% तुरंत बेचने की परमिशन दे देंगे और 90% आपको होल्ड करके रखना पड़ेगा फॉर अ टाइम बीइंग, या उसको भी ऐसे उस 90% को ऐसे 10% 20% करके एक एक पीरियड के बाद खोलते रहेंगे। जैसे 2 महीने के बाद 20% अनलॉक कर दिया, 3 महीने बाद 40% अनलॉक कर दिया, तो उस हिसाब से करते रहेंगे। तो ये उस हिसाब से चलता है, मतलब इसमें एक ये केस हो सकता है। और दूसरा, कोई कोई प्रोजेक्ट जिनका कुछ अलग मॉडल होता है अपने प्राइस को बचा के रखने का, उसमें क्या होता है कि वो लोग तुरंत ही आपको 100% सेल करने की परमिशन दे देते हैं। तो उस केस में नॉर्मली क्या, जैसे आपको मान लो 10% ही सेल करने की परमिशन मिली, तो उस केस में सभी को ये याद रखना है कि आप 10% अगर बेच देंगे तो ये बहुत, मतलब 10 में से 7 बार ये होता है कि आप जितना लगाए रहेंगे उतना आपको 10% से ही वापस आ जाएगा। तो ये चीज़ें हमें देख के चलनी है। अगर किसी भी प्रोजेक्ट का फंडामेंटल बहुत अच्छा है तो लॉन्ग टर्म होल्ड कीजिए, अगर फंडामेंटल मतलब उतना अच्छा नहीं लगा, उतना खास नहीं लगा, तो आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी निकल जाइए। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, जब हम IDOs के सिचुएशन में किसी भी कॉइन को खरीदते हैं तो वो निकलते निकलते आपको मिनिमम 2-3x तो दे के ही जाता है, कुछ भी कर लीजिए 2-3x गारंटीड दे के जाएगा। तो उस हिसाब से होता है। अब मतलब इसमें हर एक जो ये होता है, जो लॉन्च पैड होता है, उसका अलग अलग रूल है, अलग अलग चीज़ें होती है, जैसे BSC पैड हो गया, ठीक है, तो BSC पैड का अलग रूल है, ट्रूफ्लेशन का अलग रूल है, पोल इसका ट्रूफ्लेशन बोल रहा हूँ, पोल का स्टार्ट का अलग रूल है, तो उस हिसाब से चीज़ें होती रहती हैं। मतलब तो अभी जैसे इसका है, ये ओरिजिनल BSC सबसे पहले बना था, ठीक है,
अब इसमें स्टेकिंग है, स्टेकिंग कैसे करनी है, कितना खरीद के रखना है आपको। जैसे आपको ब्रॉन्ज लेना है तो 1000 कॉइन चाहिए ही चाहिए। अब बी एस सी पैड टोकन क्या है, ठीक है, टोकन का प्राइस क्या चल रहा है, तो बी एस सी पैड के टोकन का प्राइस चल रहा है, खुल जा मेरे भाई, इतना चल रहा है, ठीक है। और हमें मिनिमम अगर शुरू करना है तो हमें चाहिए 1000 इंटू उतना, ठीक है, मिनिमम इतना डॉलर हमें इन्वेस्ट करना ही करना है। उसके बाद हम लॉटरी टिकट साइज एक ले सकते हैं, दो तीन ले सकते हैं। अब इस केस में क्या करना है, हमें लाइक शेयर कमेंट करना। तो ऐसे हर एक लॉन्च पैड का नया रूल होगा, उस रूल के हिसाब से आप खरीदिए। लेकिन हमें अपना थंब रूल नहीं भूलना है। थंब रूल ये है भैया, रिसर्च रिसर्च रिसर्च। तो आई थिंक इसके साथ हम लॉन्च पैड का जो हमने लॉन्च पैड के ऊपर जो कंटेंट बनाया वो यहीं पे ख़त्म होता है, क्योंकि लॉन्च पैड में और ज़्यादा कुछ खास है नहीं। जो खास है वो आगे आने वाली वीडियोस में आएगा। तो अभी जो ये मैं सीरीज़ बना रहा हूँ, जो अभी क्रिप्टो मुद्रा की सीरीज़ है, ठीक है, ये सिर्फ मतलब मान लीजिए आप इसके लिए है, नॉलेज के लिए, ठीक है। प्रैक्टिकल वाली चीज़ें हम आने वाले समय में करना शुरू करेंगे। और ये ज़रूरी भी है कि आपको बेसिक नॉलेज, ताकि कोई कुछ करे उस पर, तो ऐसे सडनली सब कुछ हवा में ना उड़ जाना, ठीक है। तो अब हमारे 30 वीडियो हो गए जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये 30वां वीडियो है। तो आप लोग इसको सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में।